पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबके बीच में आए, हम सबसे अपने वचन के द्वारा बात करें। और आज जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, आज इंडिपेंडेंस के दिन, तो हम उस इंडिपेंडेंस के मतलब को समझें। और प्रभु आप अपने अभिषेक में हम सबको लें, और प्रभु परमेश्वर मुझे भी अपने दोहरे अभिषेक में लें, ताकि खुदावंद तेरी आत्मा की जुम्बिश में होकर बोल सकूं, और खुदावंद हम सब सुने और उसके मुताबिक चल कर फल लाएं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज की जो गॉस्पल रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें वेरी क्लियरली मेंशन है कि एक लेडी जो थी वो कुकर्म करते हुए पकड़ी गई थी। और फिर वहां पर जो लोग थे, वहां के जो वकील फरीसी थे, जो कि उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस उसको पथराव करके मार देने के लिए उसको पकड़ लिया था, वो उसको मारने जा रहे थे। थोड़े देर बाद क्या होना होता कि वो औरत के ऊपर इतने पत्थर मारे जाते कि वो मर जाती, और फिर उसके ऊपर वो मारते ही रहते पत्थर, और तब वो औरत तो ढेर हो चुकी होती थी और उसके ऊपर ढेरों पत्थरों का ढेर ही ढेर दिखता। थोड़ी देर बाद क्या होने जा रहा था कि वो औरत नहीं दिखती मगर उसकी बॉडी के ऊपर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे होते। दैट वुड हैव बीन द सिचुएशन। और तब उन्होंने जाते जाते सोचा, यीशु वहाँ अपनी माउंट ऑफ ऑलिव्स पे प्रीच कर रहे थे और वहां पर उनके लोग, बहुत सारे लोग उनके वचन को सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा लगे हाथ यीशु को भी फंसा लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं लोग यीशु को बहुत फंसाना चाहते थे। और जब वो यीशु को फंसाने के लिए आए तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो परमेश्वर के बेटे यीशु के पास आ रहे हैं और उसके अंदर फ्रीडम है। और यीशु के पास जब वो आए और पूछने लगे तो यीशु काफी देर तक शांत रहे। उन्होंने सोचा ओहो, यीशु के पास लगता है कोई आंसर नहीं है। मगर जब वो पूछते ही रहे तो यीशु ने उनसे कहा, जिसने भी गुनाह ना किया हो वो इस पर पहला पत्थर मारे। और तब सारे के सारे चकित रह गए और तब यीशु भूमि पर कुछ लिखने लगे। हमें ऐसा परमेश्वर चाहिए जो कि नीचे झुकता है हमें उठाने के लिए। और वो भूमि पे क्या लिख रहे थे, क्या पता वो लोगों के सिंस लिख रहे थे, क्या पता वो लोगों के नाम लिख रहे थे कि तूने ये सिन किया है, तूने वो सिन किया है। और जैसे जैसे वो लोग पढ़ते गए, ओ हो ये तो मेरा ही नाम है और मेरा ही सिन है, तो वो भागते चले गए। हम देखते हैं बड़ों से लेके छोटों तक सब उसको छोड़ के चले गए। और वो औरत जो थी वो रिहा हो गई और उसने कहा, क्या किसी ने भी पत्थर नहीं मारा? यीशु ने पूछा, किसी ने भी इस तेरे पे आए बिटिया पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा, जा मैं भी तेरे पर पत्थर नहीं मारता। What God is saying, I set you free, but that freedom is for a cost. Christ has given us freedom. आज का जो हमारा थीम है, Thanksgiving for freedom, which can only be preserved by discipline and self-sacrifice. और तब उस औरत को फ्री करने से पहले परमेश्वर ने एक स्टेटमेंट दिया, which is very important, जिसको हमें हर समय याद रखना है कि go and sin no more, जा बिटिया जा, तुझे मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, मैं भी तुझे माफ करता हूं, मैं भी तुझे फ्री छोड़ता हूं, मगर जा और गुनाह फिर से मत करना। इसका मतलब देयर वाज अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी अलोंग विद दैट फ्रीडम कि तुझे अब गुनाह नहीं करना है। खुदावंत जो है वो हमें कुछ समझाना चाह रहा है और आज हमें इस बात को समझ लेना है कि फ्रीडम इज नॉट समथिंग विच इज परमानेंट इफ वी डू नॉट चेंज आवर वेज। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें गुनाहों से फ्रीडम देने को तैयार हूं, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा और देता भी हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम अपने गुनाहों को तज दो, त्याग दो, छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म कर दो। खुदाबंद ने मुस्लिम बेटे को भी जब चाह वो कूड़े से निकल के आया, सुअरों के बीच में से निकल के आया, तो वो फिर से सुअरों के बीच में नहीं गया। फिर से हम नहीं पढ़ते कि वो फिर से सब कुछ साफ होके सिग्नेट रिंग पाने के बाद फिर से गुनाहों में घुस गया हो। परमेश्वर मुझे और आपको फ्री करने के लिए आया है, हमें गुनाहों की चेन से फ्री करने के लिए आया है। आई हैव अ टेस्टेड अ फ्रीडम, आई कैन गो वेयर इज लीडिंग, फॉर शैकल्स कैन होल्ड मी नो मोर। हमने एक ऐसी फ्रीडम को टेस्ट किया है और हमको उसको समझने के लिए परमेश्वर के वचन को और भी डीपली पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं सिरिल भाई से गुजारिश करूं कि वो मार्क की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत पढ़ें, उससे पहले मैं एक गाना गाना चाहूंगा। आई हैव टेस्टेड अ फ्रीडम, आई कैन गो वेयर ही इज लीडिंग,
फॉर शेकल्स कैन होल्ड मी नो मोर। I have tasted of freedom, I can go where he's leading, for shackles can hold me no more. I have learned of life's lessons, and I stand in his presence, and there I can sing he is Lord. Keep silent, he mountains, he fields and he fountains, this is the time I must sing. It's a time to sing praises to the rock of the ages, this is the time I must sing. There are days filled with sorrow and plans for tomorrow, but this is the time I must sing. And I know there's a reason why in his own season God gives me a song I can sing. Keep silent, ye mountains, ye fields and ye fountains, this is the time I must sing. It's the time to sing praises to the rock of the ages, this is the time I must sing. Keep silent, ye mountains, ye fields and ye fountains, for this is the time I must sing. It is a day of rejoicing. It is the day of the independence. But the Lord Jesus is telling us, this independence is the independence from your sins. And you have not to go and engulf yourself in sins again. Parmeshwar mujhe aur aapko pukarta hai ki tum log mere chune hue daas aur daasi ho. Aur tumko main freedom deta hoon, magar wo freedom तुम्हारे को मेंटेन करने के लिए गुनाह से परे होना होगा। अब मैं गुजारिश करूंगा सिरिल भाई से कि वो मरकुस की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 23 से 30 आयत पढ़े, ताकि हम इस सब्जेक्ट को और भी डीपली समझ सकें। मरकुस की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 23 से और 30वीं आयत तक। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ परलोक में अनंत जीवन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की तारीफ हो। हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और परमेश्वर के इस वचन में जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया, हम देखते हैं कि पतरस आए और उन्होंने यीशु से कहा, पतरस ने कहा, आए खुदावंद, हमने तेरे लिए सब कुछ अपना छोड़ दिया, अपना घर बार सब छोड़ दिया, तेरे पीछे हो लिए। और यीशु ने क्या कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरे पीछे अपना सब कुछ छोड़ के चल दे और उसको मैं 100 गुना फल ना पाए।
यानी मतलब 100 गुना ज्यादा उसको मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है, आसमान और जमीन टल जाएंगे, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ भी चीज त्यागोगे मैं उसका 100 गुना वो उसको तुम्हें दूंगा, और ना सिर्फ इस दुनिया में 100 गुना दूंगा और इटर्नल लाइफ भी दूंगा। मगर एक शब्द उसने यूज किया, एंड विद परसीक्यूशन। अब परसीक्यूशन से क्या मतलब है, यानी मतलब जब आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर आ जाएगा, जब आपके ऊपर परमेश्वर की बरकत आ जाएगी, तो लोग आपके जो साथी आसपास के हैं वो आपसे चिढ़ने लगेंगे, वो इतना चिढ़ने लगेंगे कि इसके ऊपर इतनी बरकत आ कैसे गई, और वो आपकी जो कल तक आपके साथ थे, कल तक आपके दोस्त थे, वो आपके क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। जस्ट बिकॉज योर फेवर ऑन योर लाइफ, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर हो गया है, इसलिए आपकी बरकतें ही बरकतें आ गई हैं। और हम देखते हैं ऐसा बहुत से केसेस में हुआ, हम देखते हैं जहां वो यीशु को पकड़वाने के लिए यीशु के पास उस औरत को ले आए, तो उन्होंने उन्हें पता था अच्छी तरह से, यीशु कहेंगे मूसा, अगर वो कहेंगे इसको औरत को छोड़ दो तो वो कहेंगे यीशु को भी पकड़ लेंगे और कहेंगे मूसा के लॉ के खिलाफ जाता है, और अगर यीशु कहेंगे इसको मार दो तो वो कहेंगे भाई ये इतना जो अच्छी अच्छी टीचिंग करता है कि भाई सबको बचा लो किसी को भी ना मारो, तो फिर ये इसकी खुद की टीचिंग गलत हो जाएगी, और अगर यीशु कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं खुद नहीं पता तो वो फिर भी मर जाएंगे, यानी अगर वो नहीं बोलेंगे तो मर जाएंगे, अगर वो हाँ बोलेंगे तो मर जाएंगे, और अगर वो ना बोलेंगे तो भी मर जाएंगे। तीनों केसेस में यीशु तो फंसे ही फंसे, और वो उस औरत को यीशु के पास ले आए कि ये इसके ऊपर अपना जजमेंट दे, अपनी टिप्पणी दे, और यीशु ने कहा जिसने गुनाह ना किया हो वो इसको पहला पत्थर मारे, और उसके बाद सबके सब उसको छोड़ के निकल लिए क्योंकि कोई खड़ा ही नहीं रह पाया। और हम देखते हैं यीशु ने भी उसे माफ कर दिया, क्यों, क्योंकि वो यीशु के पास आई थी, उसको वो यीशु के पास ले आए थे, और यीशु हमको फ्रीडम देने में समर्थ है, उसने उनको फ्रीडम दे दी। परमेश्वर कहता है अपने चेलों को, पतरस को उसने कह दिया कि जो मेरे पास आएंगे, जो मेरे लिए किसी भी चीज का त्याग करेगा, यानी मतलब परमेश्वर के पास आने के लिए किस चीज का त्याग करना है, सिन का त्याग करना है। परमेश्वर ने उस औरत को भी क्या कहा कि गो एंड सिन नो मोर, अब से जाकर तू गुनाह को ना करना। फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम सिन, और खुदावंद मुझे और आपको सिन से फ्री कर देना चाहता है। वो कहता है आई विल ब्लेस यू विद अबंडेंस। हम अगर जेनेसिस की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 12 से 33 आयत पढ़ें तो मैं आपको पढ़वा नहीं रहा हूं, मैं सीधा ही सीधा बता देता हूं कि वहां आइज़क थे और इज़ाक जो था उसके ऊपर खुदा की बरकत थी, और तब खुदावंद ने उसको कहा कि तू यहाँ पर जोत और बो, यानी मतलब यहाँ पर अपनी फसल उगा, और उस समय ड्रॉट का समय था। अगर आप इस रेफरेंस को पढ़ेंगे जेनेसिस 26 उसका 12 से 33 तो उस समय बड़ा ड्रॉट का समय था, मतलब अकाल आया हुआ था और बारिश नहीं थी, और खुदावंद का जैसे ही ऑर्डर आया तो वो बोने लगा, और जब वो बोने लगा तो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे, जो पैलेस्टाइन्स आसपास के लोग थे फलिस्तीन वो उसकी हंसी उड़ाने लगे, अरे ये क्या कर रहा है, अभी तो पानी ही नहीं बरस रहा, ये क्यों अपना बो रहा है, कहाँ अपना गेहूं वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो गेहूं दब जाएगा वो तो गया खत्म हुआ। तो मगर खुदावंद का जो वचन होता है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है, और वहां यूं लिखा है कि उस साल बारिश भी आई बाद में और सब कुछ हुआ, और जो फसल उसकी उगी उसको 100 गुना फसल मिली, 100 गुना फसल उसको मिल गई। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फसल आ गई होगी। आप समझ लें कि अगर एक गेहूं के दाने में से बड़े होके 50 दाने निकलते हैं, तो एक दाने में से 50 और अब उसका 100 गुना तो कितना हो गया, 50 × 5000 दाने, यानी मतलब एक दाने में से 5000 दाने तो 100 गुना फसल उसने काटी, तो वो बहुत पावरफुल हो गया। और जैसे ही हम देखते हैं कि उन्होंने देखा कि फसल उग गई और ये इतना ज्यादा पैसा वाला हो गया, तो वो और दुखी हो गए, और वो इज़ाक की बुराई करने लगे, और इतनी बुराई की कि उन्होंने उसके कुएं तक बंद करने लगे, वो जो कि उसके साथ आराम से रहते थे वो चिढ़ने लगे, बिकॉज द फेवर ऑन आइज़क। जब फेवर ऑफ गॉड आपके ऊपर आता है तो वो कहते हैं ना, खुदावन जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है,
यानी मतलब इतनी बरकत देता है कि जो जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो आपके साथी संगी होते हैं, जो कि आपको सो कॉल्ड कहते हैं को दोस्त होते हैं, वो भी आपके क्या खड़े हो जाते हैं, दुश्मन हो जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फेवर को देख के वो चिढ़ने लगते हैं। और ये प्रोसिक्यूशन ही तो था। और तब आइज़क के कुओं को उन्होंने क्या कर दिया, बंद करने लगे कि भैया इसके कुएं ही नहीं होंगे, पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। मगर खुदाबंद उसको मदद करता रहा। और फिर वहां का राजा आके उसको कहा, आइज़क तू हमारे बीच में से चला जा, क्योंकि तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है। और ये ताकत कहां से आई थी? परमेश्वर की वफादारी और बरकत पर आई थी। जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है तो वो काम करना है, और तब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आके ठहर जाता है और आपकी बरकतें बढ़ने लगती हैं। परमेश्वर हमारे को बढ़ाना चाहता है, हर एक जन को बढ़ाना चाहता है। जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कहीं लिख लें कि परमेश्वर की योजना आपको बरकत देने की है। मगर आप बरकत तब पाएंगे, मैं बरकत और आप बरकत तब पाएंगे जब हम परमेश्वर की मदद की बात को मानेंगे। अगर परमेश्वर कहता है तू सीड बो तो हमें बोना है, अगर वो कहता है ये कर तो वो करना है। और उस औरत को भी उसने कहा जा और गुनाह मत करना। इसका मतलब इट इज अ कंटिन्यूड ऑर्डर। हम सबको खुदावंद कुछ कुछ ऑर्डर देता है कि तुझे ये करना है ये नहीं करना है, और जब वो किया तो उसने 100 गुना फल लाया। और यीशु ने भी क्या कहा पतरस से, ऐसा कोई नहीं कि कोई मेरे ऑर्डर को माने और उसको मैं 100 गुना बरकत इस दुनिया में ना दूं। मैं दूंगा मगर तेरे फेवर को देख के तेरे साथ के लोग जो हैं चढ़ने लग जाएंगे और वो तेरे को क्या करने लगेंगे, परसिक्यूट करने लगेंगे। अब परसिक्यूशन के क्या तरीके होते हैं? दूसरे को डिसऑनर करने लग जाना। हाँ, कई बार आपको लोग इसलिए डिसऑनर करने लगते हैं क्योंकि उनसे आपकी प्रॉस्पेरिटी देख ही नहीं जा रही। तो हाउ यू हैव टू हैंडल योर प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो। खुदावंद ने जब कहा कि ये सब 100 गुना मिलेगा मगर परसिक्यूशन के साथ, इसका मतलब ये, यू हैव टू हैंडल परसिक्यूशन, यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल इंसल्ट्स, यू हैव टू नो कि कई बार आपको वो चीजों को ओवरलुक करना पड़ता है। हम देखते हैं दाऊद भी, जब उसके भाई लोगों ने देखा कि दाऊद आ गया है, और दाऊद किस तरफ बढ़ रहा था? गोलायत की तरफ बढ़ रहा था, और वो गोलायत को क्या करने वाला था, थोड़ी देर बाद ढेर कर देने वाला था। एक ही पत्थर से उसने गोलायत को क्या कर दिया, ढेर कर दिया। हम देखते हैं कि जब वो उस डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था तो उसके भाई, उसके अपने भाई कहने लगे, अरे दाऊद तू यहाँ कहाँ से आ गया, और तू अपनी वो थोड़ी सी जो भेड़ें हैं उनको कहाँ किसके सुपुर्द छोड़ आया। बड़े गुस्से से उसके भाइयों ने कहा क्यों, और दाऊद उनसे परे हटके चला गया। अब मैंने क्या किया, उसने कहा अब मैंने क्या किया, इसका मतलब इससे पहले भी उसके साथ ऐसा भी बर्ताव होता रहता था कि भाई वो उसको इंसल्ट करते रहते थे। कब इंसल्ट कर रहे थे ये लोग? जबकि सैमुअल नबी दाऊद के घर जाकर, दाऊद के एरिया में जाकर दाऊद को ब्लेस कर आया था, उसके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल डालाया था, और उसने कहा था ये चुनावा अभिषिक्त राजा है। अगर भाइयों के सामने उसके ऊपर अभिषेक हुआ तो इसका मतलब श्योर है कि वो राजा बनेगा। मगर उसके भाई उससे चिढ़ते थे, और दाऊद ने जब साम लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। हम देखते हैं जिस समय उसका अभिषेक हुआ और जिस समय वो राजा में बना, काफी टाइम बीता। परमेश्वर मुझे और आपको अपने अभिषेक से अभिषेकित करना चाहता है, वो हमें अपनी बरकतों को दे देना चाहता है, मगर उन बरकतों को हैंडल करने की भी अकल वो हमें चाहता है कि हम रख लें। डू नॉट जस्ट मेडल विद एवरी वर्ड। किसी ने मेरे लिए ये कह दिया, कई लोग होते हैं ओहो इसने मुझे ये कह दिया तो मैं जाके उसको दो चीजें और सुनाऊंगा, यानी मतलब हम सड़क छाप वेस्ट टाइम करने वाले लोगों की तरह ना हो। परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहता है, यू आर चोजन रेस, यू आर पीपल ऑफ योर फादर इन हेवन, और तुम मेरे नाम के वास्ते अपने कामों को करो, तुम जो हो परमेश्वर की बरकत बनो, और परमेश्वर जब तुमको बढ़ा रहा है तो तुम बढ़ते चले जाओ। एंड डू नॉट मेडल विद स्मॉल मैटर्स। जो स्मॉल माइंडेड पीपल होते हैं उन वो छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, और दाऊद ने उन लड़ाइयों को लड़ाई नहीं, उसने अपने भाइयों से परे हट गया, उसने वही लड़ाई लड़ी विच मैटर्ड समथिंग। और तब वो दाऊद के, वो गोलियत के सामने गया
और उसने गोलायत को एक ही पत्थर से ढेर कर दिया। और तब जब गोलायत नीचे गिर गया तो सब लोग दंग रह गए और लड़कियों ने वहां पर गाने गाने चालू कर दिए जब वो वापस लौटे जीत के, कि साउल ने तो 1000 मारे मगर दाऊद ने 10,000 मारे। और जब दाऊद की प्रेज साउल ने सुनी तो वो चिढ़ गया। और हम जानते हैं दाऊद साउल के ऊपर बिकॉज उसने खुदाबंद की बात नहीं मानी थी, एक अपवित्र आत्मा उसको तंग किया करती थी और उस आत्मा को भगाने के लिए दाऊद जो था पैलेस में आया था और वो जो है हाफ बजाता था और जब हाफ की आवाज सुनती तो अपवित्र आत्मा यानी दुष्ट आत्मा निकल के बाहर भाग जाती। और जब दाऊद जो था हाफ बजा रहा था उसी समय साउल ने एक भाला लिया और जोर से दाऊद की तरफ फेंका। अगर दाऊद वहां से ना हटता तो दाऊद को ही मस्ट हैव पिन्ड हिम टू द वॉल, यानी मतलब जैसे पेपर को हम पिन से लगा देते हैं ना, नोटिस को नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं, वैसे ही वो भाला दाऊद को भेदता हुआ दाऊद को दीवार के साथ घूम दिया होता, ठोक दिया होता। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है लर्न टू टैकल विद इंसल्ट्स, बेबात की लाइनों से बच के रहें, बेबात की बातों में उलझनों में ना फंसे रहें। कई बार लोग आपको इंसल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे आपकी फेवर को देखा नहीं जा रहा, एंड दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग, अगर तुम मेरे बन जाओगे तो मैं तुम्हें इतना फेवरेबल बना दूंगा, इतना फेवर तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम उगाओगे 10 और निकलेगा 1000, 100 गुना फल आपको मिलेगा। और परमेश्वर कह रहा है लर्न टू बी वेरी वाइज। हम देखते हैं यीशु के बहुत सारे लोग जो थे यीशु की बुराई करते रहते थे और यीशु किसी की बुराइयों से रुकते नहीं थे, वो अपने काम को करते रहते थे। और जब वो काम कर रहे थे तो एक आदमी था जिसका नाम था लाजर। अब लाजर जो था वो बीमार था और लाजर की बहनों ने फटाक से किसी को भेजा कि जाओ यीशु को बुला के लाओ, क्योंकि अगर यीशु यहाँ होगा तो हमारा भाई जो है वो बच जाएगा। और हम देखते हैं जब वो आदमी वहां पहुंचा तो यीशु वहां पर 2 दिन और रुक गए, यानी मतलब, और जब वो वापस लौटे तब तक उसे मरे हुए और कब्र में दबाए हुए 4 दिन हो चुके थे। और जब वो आदमी वापस लौटा होगा तो उसने कहा होगा कि हाँ प्रिय बहन, हम तो जीसस को पहले ही बताए 2 दिन पहले, हम तो एकदम जैसे ही तूने हमें भेजा हम वहां जाके उनको खबर दिया है कि लाजर बीमार है, और अगर वो उसी समय चलते तो इसके मरने से पहले ही पहले यहाँ पहुंच जाते। मगर जब यीशु ने मेरी और मार्था को रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा तुमने उसे कहाँ दबाया है, एंड वो उसको ग्रेवयार्ड ले गए। और जब ग्रेवयार्ड पे ले गए तो यीशु ने कहा ये ग्रेव के से पत्थर हटा दो। अभी तक सब कुछ सही था क्योंकि ग्रेव तक जाके दुआ करने ही सबको लगता है कि भाई 3रे दिन की प्रार्थना है और वो तो 4थे दिन की प्रार्थना हो रही थी क्योंकि वो तो 4 दिन ग्रेव में पहले ही रख दिया गया था। और 4थे दिन की प्रार्थना में कोई कहे कि ग्रेव खोल दो तो बड़ी क्वेश्चनेबल सी बात हो जाती है। और उसने उसका मुंह हटवा दिया और उसने कहा लाजर बाहर आ जा। अगर वो कहता बाहर आ जा तो पता नहीं कितने निकल के बाहर आ जाते। उसने नाम लेकर पुकारा, वो अपनी भेड़ को नाम लेकर पुकारता है और वो उसकी सुनती है, और लाजर ग्रेव क्लोथ को पहने ही बाहर निकल आया। और उसने कहा तब सबके ऊपर डर छा गया और उन्होंने उसके ग्रेव क्लोथ खोले, चारों तरफ यीशु का यश फैल गया कि ये तो इंसान को, मरे हुए इंसान को ग्रेव से भी फ्रीडम दे सकता है, ही कैन फ्री अ पर्सन फ्रॉम द ग्रेव। 4 दिन हो गए थे उसकी तो बॉडी में से सड़न आती होगी। उसकी मार्था ने कहा कि अरे प्रभु क्या कर रहे हैं, ये तो इसके अंदर से तो मेरे भाई के अंदर से तो दुर्गंध आती होगी। और यीशु ने क्या कहा, मैंने तुझे नहीं कहा था मार्था कि आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, आई एम द फ्रीडम। और परमेश्वर ने उसको फ्री कर दिया और कहा इसको इसके ग्रेव क्लोथ खोल दो, और तब उन्होंने उसको जाने दिया। मरण देखते हैं जो फकी फरी से थे, जो वहां के रिलीजियस लीडर्स थे, वो यीशु से चिढ़ गए और इतने चिढ़ गए कि उन्होंने कहा ये इस लाजर को भी हम क्या कर देंगे, फिर से मार देंगे, क्योंकि इसके जिंदा रहने से किसको तारीफ मिल रही है, यीशु को तारीफ मिल रही है।
बेचारे लाजर की क्या गलती थी, वो तो बेचारा ग्रेव में था और वो निकल के आ गया यीशु के ऑर्डर पे और वो जिंदा हो गया और उसको फ्री कर दिया। उसकी क्या किसी से लड़ाई थी, उस बेचारे लाजर की क्या गलती थी कि वो लोग लाजर को भी मारने को तैयार हो गए। Isn't it persecution? हम देखते हैं, हमने आइजक की बात की, आइजक राजा के कहने पे वहां के राजा पैलेस्टाइन के राजा के कहने पे वहां से शिफ्ट हो गया। जब वो शिफ्ट हो गया तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर का दास हटते ही उधर से भी बरकत हट गई, लोगों के ऊपर से भी बरकत हट गई। तो वो एक जगह जिसका नाम कहलाता है बेरीशबा, वहां पर जाके रह रहा था। तो वहां पर वो लोग आए, राजा और उसके सारे लोग आए जो वहां पर वो रहता था, और उन्होंने कहा जेकब जी आप आके हमारे बीच में बसिए, क्योंकि हम देख लिया है कि आपके होने से हम पर भी बरकत है। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है अगर आप परमेश्वर के दास और दासी बन जाएंगे, अगर आप परमेश्वर के सच्चे चोजन बच्चे बन जाएंगे, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगेंगे और परमेश्वर आपका होगा और आप परमेश्वर के होंगे, तो उसने कहा जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तब परमेश्वर ने आइजक को इतनी बरकत दी कि वो लोग खुद आए और कहा आइजक जी आप हमारे बीच में आके रहिए, बस हमारे साथ एक ट्रीटी कर लीजिए, क्योंकि आप इतने ताकतवर हो गए कि आप हमारे और हमारे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। परमेश्वर का फेवर हम सब के ऊपर हो और उसके लिए हमको कुछ कदम उठाने हैं। थिंग्स आई यूज टू डू आई डू देम नो मोर, हमको सबको अपने आप को परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है, और जब तक वो परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट हम नहीं बनेंगे तब तक हमारे ऊपर बरकत नहीं आएगी। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बनोगे देन यू विल बी एबल टू सिंग आई हैव टेस्टेड अ फ्रीडम आई कैन गो वेयर इज लीडिंग फॉर शैकल्स कैन होल्ड मी नो मोर। ये गाना तो वो औरत भी गाती होगी, आई हैव टेस्टेड अ फ्रीडम वन डे एट अ टाइम, अभी हमने गाना सुना वन डे एट अ टाइम, सो टेक योर स्टेप्स इन द लॉर्ड वन डे एट अ टाइम एंड द लॉर्ड विल ब्लेस एवरीथिंग यू डू। आई कमिट ऑल our church, myself and all the church into the hands of God, that he may not only free us, but give us the wisdom to tackle with our freedom. We may be free from the bondage of sin and we may live up to the glory of God. Hum aisa jiyein ki khudabund hamara roshni ho और हम खुदावंद की रोशनी एक दूसरे के साथ बांटने वाले बने, हमारे शब्दों को देखकर लोग कहें कि परमेश्वर के लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर तेरे अच्छे सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप अपने वचन को हमारे अंदर बहुतायत से उतरने दें और आपकी बरकत हमारे जीवनों में आने पाए। और खुदावंद हम तेरे पास आते हैं इस हमारे धन्यवाद को, इस अच्छी फ्रीडम के ढेर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और खुदावन जब आप हमें हमारे गुनाहों से रिहाई देते हैं उसके लिए हम और भी ज़्यादा धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं खुदावन हम गुनाहों की गंदगी में फिर से ना जाएं, सबके सब गुनाह से बचें और खुदावन तेरी राह पर चलें और फिर फ्रीडम विल बी आर्स। खुदावन तूने उस औरत को कह दिया गो एंड सिन नो मोर, लेस उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स तेरे ऊपर ना आ जाएं। इसका मतलब क्या है कि हमको अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखना है, हमको अच्छे काम करने हैं, हमको अच्छी राह पर चलना है, ताकि जो फ्रीडम तूने हमारे को अपने लहू के बहाने से दी है प्रभु वो हमारी अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। यीशु आप हमें बरकत दें और कभी लज्जित ना होने दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की।